आज एक सबसे बड़ा सम्मान जब G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, मेजबानी कर रहा है, तो बड़े सम्मान के तौर पर भी देखा जा रहा है। बापू को सबसे बड़ा सम्मान देना बहुत जरूरी समझा और राजघाट पर सभी मेहमानों को बुलाया गया। क्यों है ये अहम? ये सबसे खास बात भी है कि राजघाट आखिर पहुंच रही है दुनिया की महाशक्तियां जिन्होंने सत्य और अहिंसा का मार्ग बताया। क्या यही हमारी परंपरा का, हमारी संस्कृति का मूल है? ये भारत दिखाना चाहता है। और भारत ने जो योजना बनाई कि G20 की सिर्फ अध्यक्षता ही नहीं होगी, देश दुनिया की समस्याओं के समाधान के लिए यहां सिर्फ चर्चा ही नहीं होगी, बल्कि भारत ये बताता रहा है लगातार, जिसकी आज पुष्टि भी की जा रही है, कि भारत के पास इसकी जड़ों में, इसकी परंपराओं में, इसकी संस्कृति में इन तमाम समस्याओं के समाधान का केंद्र बिंदु भी हो सकता है। और वो क्या है? जब राजघाट पहुंच रहे हैं तमाम इन विदेशी बड़े बड़े राजनेताओं की यहां मौजूदगी होगी, तो वो देखेंगे कि हे राम लिखा हुआ है। आखिर राम का क्या महत्व है? आखिर राम राज्य की बात इस भारत में क्यों कही जाती है? आखिर क्या है राम राज्य की कल्पना जिससे जोड़कर भारत लगातार कहता है, जिसने अपना मूल मंत्र दिया G20 में, वसुधैव कुटुंबकम, यानी ये पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। और ये है जो पूरी दुनिया के और दूसरे देशों से भारत को अलग बनाता है, जिसका उद्घोष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और ये बात आज एक बार फिर सार्थक होती दिखाई दे रही है जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपनी जड़ों पर गर्व करते हैं कि वो एक सनातनवादी हिंदू परंपरा के हैं और इसका उन्हें गर्व है। और इसीलिए जब दिन की शुरुआत कोई भारतीय परंपरा, सनातन परंपरा से चलने वाला करता है, तो वो मंदिर में अपनी इष्ट आराध्य की पूजा अर्चना से करता है। और ऐसा ही कुछ इच्छा जाहिर की ऋषि सुनक ने। अक्षरधाम मंदिर वो आज पहुंचे अपनी पत्नी के साथ में, और फिर उसके बाद G20 में आज जिस तरह के कार्यक्रमों की रूपरेखा है उसमें शिरकत करने के लिए। लेकिन राजघाट में मौजूदगी, दुनिया के तमाम ऐसी और बड़ी शक्तिशाली लोगों की मौजूदगी ये बताती है कि भारत अब किस मजबूती के साथ अपनी उसी वैभवशाली सांस्कृतिक साहित्यिक परंपरा को एक बार फिर मौजूद कर रहा है, स्थापित कर रहा है। और इसीलिए वो बताने की कोशिश कर रहा है कि आखिर विश्व गुरु भारत को क्यों कहा गया है। और आज जब हे राम पढ़ रहे हैं राजघाट में तमाम ऐसे विश्व के बड़े नेता, तो आखिर राम, राम राज्य की कल्पना से जोड़कर इस आयोजन को देखा जा रहा है कि क्या इसी मूल मंत्र में तमाम समस्याओं का समाधान छिपा हुआ है। ठीक है प्रशांत, आप बने रहिए हमारे साथ। तस्वीरें जो राजघाट से सामने आ रही, G20 नेताओं का स्वागत कैसे किया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी खादी की शॉल ओढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो मेहमान यहां पर पहुंच रहे एक एक करके, उनका भी उसी सादगी के साथ स्वागत किया जा रहा है। विक्रांत मेरे सहयोगी भारत मंडपम से इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विक्रांत, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी खादी की शॉल ओढ़े हुए इस तस्वीर में मुझे दिखाई दे रहे हैं, और जो मेहमान भी पहुंच रहे हैं उनका भी उसी सादगी के साथ स्वागत करना, क्या ये बहुत शक्तिशाली तस्वीर है विक्रांत? देखिए बिल्कुल रवीना, इस बात में कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में G20 का ये सम्मेलन जो भारत में हुआ, और इस समय हम भारत मंडपम का जो मीडिया सेंटर है वहीं पर मौजूद है। कल जो ऐतिहासिक सफलता मिली भारत को, और भारत ने जो यहां से रेजोल्यूशन पास करवाया, प्रस्ताव पारित हुआ, तो बेहद ही सफल G20 समिट। और आज हमारे पीछे जो स्क्रीन लगी हुई है भारत मंडपम में, वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो राजघाट पर तमाम डिग्निटरीज, जो विदेशी मेहमान हमारे यहाँ G20 समिट के लिए आए हुए थे, उनका स्वागत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और पावरफुल तस्वीर इसे कहा जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20, जिसको कहा जाता है कि बहुत ही शक्तिशाली संगठन, तमाम नेता यहां पर पहुंचे, और उसके बाद भारत की जो कोशिशें थी कि सबको एक राय लेकर आना, सबको सहमत करना, उसमें भारत को बड़ी सफलता मिली, अफ्रीकी यूनियन को शामिल करवाया और अपना रेजोल्यूशन भी G20 समिट का पास करवाया। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देखिए एक के बाद एक नेताओं का राजघाट पर स्वागत खुद कर रहे हैं, उनको खादी से बना हुआ पटका पहनाया जा रहा है तमाम विदेशी मेहमानों को, और महात्मा गांधी, पूरी दुनिया में महात्मा गांधी को पूजा जाता है। देश की आज़ादी में तो महात्मा गांधी का योगदान था ही, लेकिन देश को सत्य अहिंसा का जो पाठ महात्मा गांधी ने पढ़ाया वो पूरी दुनिया के लिए आज भी उतना ही रेलेवेंट है। और इसको इस बात से भी जोड़कर देखा जा सकता है कि जो G20 समिट में भारत की तरफ से कहा गया
उसमें हमेशा युद्ध का विरोध किया गया और ये कहा गया कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, शांति के साथ ही दुनिया आगे बढ़ सकती है। और दुनिया को शांति का सबसे बड़ा संदेश महात्मा गांधी की तरफ ही से मिला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय राजघाट में तमाम डिग्निटरीज का स्वागत कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं और वहां पर कुछ देर बिताने के बाद यहां पर इसी भारत मंडपम में आज फिर ये तमाम डिग्निटरीज आएंगे, क्योंकि 10 बजे के करीब यहां पर पहुंचना शुरू होगा भारत मंडपम में और यहां पर तीसरे दौर जो एक थर्ड राउंड की बातचीत है वो शुरू होगी, वो सेशन शुरू होगा और दोपहर तक वो सत्र चलेगा और उसके बाद तमाम डिग्निटरीज अपने अपने देश के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन इस G20 समिट को बेहद ही सफल माना जा रहा है। ये माना जा रहा है कि भारत, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि G20 समिट में शायद कोई सहमति ना बन पाए, लेकिन भारत ने अपनी इच्छा शक्ति के साथ और भारत की जो छवि है उसको देखते हुए ये सफल करवाने में पूरी कामयाबी मिली। एक और बात जो सबसे खास अगर हम गौर करें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले जब मेहमान पहुंचते हैं उनका स्वागत करते हैं तब वो कोणार्क चक्र पीछे दिखाई देता है, कल डिनर की भी रात को बात की जाए तब भी बैकग्राउंड इतना खास, और आज भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पर स्वागत कर रहे हैं क्योंकि वो ये जानते हैं कि जब ये तस्वीर यहां से खिंचेगी, ये तस्वीर जब सुर्खियां बनेगी तो उस तस्वीर में एक संदेश भारत के जुड़ाव का होना चाहिए, भारत अपनी जड़ों से कितना जुड़ा हुआ है उसका होना चाहिए। और आज भी ये खास तस्वीर राजघाट पर बैकग्राउंड के जरिए मुझे दिखाई दे रही है। विक्रांत, देखिए बिल्कुल प्रधानमंत्री प्रतीकों का बेहद ही ये कहा जाए कि मजबूती के साथ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो कल की बैठक के दौरान जब प्रधानमंत्री गेस्ट का तमाम डिग्निटरीज का स्वागत कर रहे थे उनके पीछे कोणार्क सूर्य मंदिर का बैकग्राउंड दिखाई दे रहा था और तमाम जो विदेशी मेहमान वहां पर पहुंचे थे उनको भी बताया प्रधानमंत्री ने खुद की उसका क्या महत्व है। फिर जब रात को रात्रि भोज था जहां पर राष्ट्रपति जी के साथ प्रधानमंत्री सभी गेस्ट का अगवानी के लिए खड़े थे तो वहां पर नालंदा विश्वविद्यालय का बैकग्राउंड पीछे दिखाई दे रहा था। और आपको याद होगा कि बहुत देर तक जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आए तो उनको प्रधानमंत्री ने ना सिर्फ समझाया बल्कि बाइडेन अतिरिक्त इंटरेस्ट लेते हुए वो उनके पास गए, उन्होंने कुछ और समझने की कोशिश की। तो ये जो प्रतीकों के सहारे संदेश देने की बात होती है वो प्रधानमंत्री बहुत ही बेहतर तरीके से करते हैं। और यहां पर भी राजघाट पर आप देखिए कि जहां पर प्रधानमंत्री खड़े हुए हैं महात्मा गांधी का संदेश वहां से दिया जा रहा है। इस समय चरखा की जो महात्मा गांधी की एक बड़ी प्रतिमा है वो दिखाई दे रही है हमारे दर्शकों को। तो ये राजघाट शांति एकता और आज की तारीख में जो दुनिया को सबसे बड़ी जरूरत है वो महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत का हमेशा से ये रुख रहा है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है और शांति के जरिए ही अब ये जो दुनिया है वो तरक्की कर सकती है। तो राजघाट से ज्यादा पावरफुल कोई तस्वीर नहीं हो सकती और तमाम डिग्निटरीज ने भी वहां जाने का इसीलिए कार्यक्रम शुमार किया इसमें। और आज बैठक जो दूसरे दिन की बैठक है उससे पहले तमाम डिग्निटरीज राजघाट पहुंचे हैं।